देश और दुनिया के सबसे मशहूर अरबपति कारोबारी रतन टाटा इस दुनिया में नहीं रहे। पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे 86 वर्षीय रतन टाटा को उनकी हेल्थ कंडीशन के चलते पिछले दिनों मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका निधन हो गया। रतन टाटा के निधन पर देश और दुनिया की तमाम हस्तियों ने गहरा शोक जताया है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, कैबिनेट मंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ समेत तमाम नेताओं ने रतन टाटा के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। सीएम ने कहा कि देश के सुप्रसिद्ध उद्योगपति और टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा जी का निधन उद्योग जगत ही नहीं अपितु समस्त भारतवासियों के लिए अपूर्णीय क्षति है। आज देश ने एक महान उद्योगपति के साथ ही बेहद संवेदनशील, राष्ट्र सेवा और मानवता के प्रति सदैव समर्पित शख्सियत को खोया है। उनके जाने से भारत ही नहीं बल्कि विश्व उद्योग जगत में एक रिक्तता सदैव रहेगी।